करनाल लोकसभा से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। हालांकि उनके सामने पूर्व सीएम मनोहर लाल अपना प्रचार पिछले 15 दिनों पहले ही शुरू कर चुके हैं और वे लगभग सभी 9 विधानसभाओं में अपनी जनसभा पूरी कर चुके हैं। पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचे दिव्यांशु बुद्धिराजा का स्वागत करने के लिए पानीपत जिले के सभी कांग्रेसियों ने करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। प्रदेश में महिलाओं, बेरोजगारों, मजदूरों की आवाज़ को मैं बुलंद करूंगा। मैं मनोहर लाल के खिलाफ पिछले 7 सालों से लड़ता आया हूं। अब खट्टर जनता के सवालों से बचकर नहीं जा पाएंगे। मुझे यह पूरा विश्वास है कि करनाल की जनता अब मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने कहा कि भाजपा ने मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही की है उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, न कि किसी प्रकार की राजनीतिक लड़ाई। इस दौरान उनके साथ समारखा के कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर, पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह कादियान, इसराना से कांग्रेस के विधायक बलबीर वाल्मीकि, प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन कुंडू, युवा नेता विपुल शाह सहित सभी एक मंच पर नजर आए, जिन्होंने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। देखिए, पार्टी ने मुझे ये टिकट नहीं, एक मंच प्रदान किया है कि जिस मंच से मैं हरियाणा के बेरोजगारों की, हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के कर्मचारियों की, हरियाणा के मजदूरों की, हरियाणा के व्यापारियों की, महिलाओं की मैं आवाज उठा सकूं। और रही बात मेरे सामने मनोहर लाल खट्टर जी की, तो ये मेरा खट्टर साहब से पहला मुकाबला नहीं है। मेरे तो खट्टर साहब से पिछले सात साल से खट्टर साहब के सामने मैं लड़ता आया हूं, खट्टर साहब से सवाल पूछता आया हूं, और मेरे लिए कोई ये नई लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है, अब खट्टर साहब हमारे सवालों से बचकर नहीं जा पाएंगे। एक एक सवाल का, एक एक कुकर्मों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। और करनाल की जनता, इस बार परिवर्तन का माहौल है करनाल के अंदर, और मैं पूरा आश्वस्त हूँ मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मेरी युवा शक्ति के सहयोग से। इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को बीजेपी ने तो पद से हटाया है, हम लोग उन्हें बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का काम करेंगे। आपको आपके केस उठाए जा रहे हैं, है मुझे भगोड़ा करार दिया जा रहा है, भाजपा के लोग मुझे भगोड़ा करार दे रहे हैं। आप देखिए, मैं तो जनता के बीच में हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ। जिस दिन मेरा टिकट अनाउंस हुआ, उससे अगले दिन सुबह मुझे पता लगा कि मेरे पे बैक डेट में एक FIR दर्ज की गई है। 7 की 7 हाईकोर्ट के अंदर वो FIR भी सस्टेन नहीं करती। अगर मैं लीगल एंगल की बात करूं, वो FIR कानूनी रूप से गलत है। मेरा नाम जो है वो खराब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। और अगर मैं भगोड़ा होता तो क्या आज मैं दिल्ली से लेकर और पानीपत के बीच में पहुंच पाता? प्रशासन को सारी जानकारी थी, DC SP ऊपर तक सारी जानकारी थी। मैं कोई भगोड़ा नहीं, भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पिछले 9.5 साल से हरियाणा के नौजवानों के सवालों से भाग रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। एक एक सवाल का, एक एक उनकी गलती का जो है हिसाब लिया जाएगा। और जो कल हियरिंग होगी, लीगल एंगल एक्सप्लोर करेंगे, चाहे हाईकोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और एक बात बताना चाहूंगा, ये मेरे पे कोई पहला मुकदमा नहीं है। खट्टर साहब ने पिछले 9.5 साल में मेरे पे 5 मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। 5 क्या, पूरे चुनाव में जब 50 मुकदमे दर्ज करा लो, ना मैं हटूंगा, ना मैं डरूंगा और ना मैं रुकूंगा।